दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का नाम सुनते हैं लोग, इसे धर्म के नाम से जोड़कर देखते हैं, इसलिए आजकल की जनरेशन इसके महत्व को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन क्या सच में गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब ही है? बिल्कुल भी नहीं। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में जब अर्जुन चिंता और संदेह से घिरे हुए थे, तब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जिसे गीता के नाम से जाना जाता है। यानी आज के समय के शब्दों में कहें तो कृष्ण अर्जुन की काउंसलिंग करते हैं। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि एक सही दिशा है जो इंसान को गलत रास्तों पर भटकने से रोकती है। यह इंसान को अपने आप से परिचित करवाती है। आज हर इंसान अपने आप से नहीं बल्कि दूसरों से रेस लगाने में लगा है, बिना ये जाने कि आखिर उसे जाना कहाँ है। जब तक वो समझ पाता है तब तक स्ट्रेस, चिंता, अकेलापन और टूटते रिश्ते उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यदि सही समय पर व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल जाए तो काफ़ी हद तक वो अपने आप को इनसे बचा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ भगवत गीता के कुछ अनमोल विचारों को शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। इंसान का मन अशांत रहता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और ध्यान से इसे वश में किया जा सकता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या अपने साथ लाए थे? हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना तो तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जो इंसान ज्ञान और कर्म को एक समान देखता है सिर्फ उसी व्यक्ति का नजरिया सही है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में नहीं करता उसके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है तब ही उसे शांति मिल सकती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, क्योंकि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तब इंसान में तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होता है तब इंसान का पतन हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चुनिंदा विचार पसंद आए होंगे। कृपया इन्हें शेयर करें और अगर आप भी हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमें फ्री में सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।